देखो, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपने करंट मेजर करते हुए क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको ओवरकम करते हुए हम इसको अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके लिए फिर हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को उसमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरूरत क्या क्या है और दिक्कतें क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे। जैसे आपको यहाँ क्लियर हो गया कि करंट नापने में दो दिक्कतें ओवरकम करना जरूरी है, एक तो रेंज बढ़ाना जरूरी है और उसका रेजिस्टेंस लार्ज है उसको कम करना जरूरी है, ठीक है। अब आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि मान लो आपका ये करंट बैटरी सब लग रही है, सबको पता है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस आई आर इक्वल टू वी बी, इसको इधर ले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी यहाँ तक, एकदम बात क्लियर है। तो ये कितना आ गया, आई कितना आ गया, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये वी ए माइनस वी बी आ गया, ठीक है ना। वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट ये था, ठीक है। तो आप ये मेजर करना चाहते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच, आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, दोनों पॉइंट्स के बीच गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस काम के, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स के बीच इस काम के लिए आपने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, देखो आप गैल्वेनोमीटर में वही फंडा है, इसमें करंट जाती है तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, पॉइंटर इसका डिफ्लेक्ट होता है। तो देखो आई डैश करंट जा रही है, अब इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है ना, आई डैश करंट जा रही है, तो कितनी करंट हो गई, अब ये ई अपॉन स्मॉल आर प्लस टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाए, ठीक है। तो इसको लिख दो आप इस तरीके से, ऊपर ले जाओ, तो वी ए माइनस वी बी डैश, तो अब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, यही होगा कि नहीं, कर रखा है आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस इलेक्ट्रिक करंट की, कि वी ए माइनस वी बी डैश कितना होगा आपका, आई डैश इंटू आर जी अपॉन आर प्लस आर जी हो। अब आप आई डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ठीक है ना, आई डैश की वैल्यू पुट कर दो, ई इंटू आर प्लस आर जी, आर इंटू आर जी प्लस स्मॉल आर, आर प्लस आर जी इंटू ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, आर प्लस आर जी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका वी ए माइनस वी बी डैश क्या आ जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर आपने दोनों पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो कितना आएगी, देखो रीडिंग जो आ रही है आपकी ये आ रही है, और एक्चुअल रीडिंग कितनी थी, एक्चुअल रीडिंग ये वाली थी, ई अपॉन आर प्लस आर, तो आप देख रहे हैं बेटा कम आ रही है, ठीक है ना। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करोगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, वो आपका एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा, सो इट विल मेजर लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, टू मिनिमाइज दिस एरर आर जी शुड बी वेरी लार्ज। तो अब आप देख लो, आपको ये टर्म अप्रोक्सीमेटली जीरो करनी है जिससे ये दोनों मैच करें, तो क्या निकल के आ रहा है कि आपको आर जी ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वहां पे अमीटर में रिक्वायरमेंट थी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करो, वोल्ट मीटर में रिक्वायरमेंट आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप इसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा टेंडिंग टू जीरो होगा, आपकी ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के उतना ही क्लोज चली जाएगी, ठीक है। तो टू मिनिमाइज एरर आर जी शुड बी वेरी लार्ज। तो इसमें मेजर कैसे करते हैं, कईयों को डाउट हो जाता है कि करंट से पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप वोल्ट मीटर कैसे मेजर करो, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट आईजी है तो रेंज कितनी हो गई, आईजी इनटू आरजी, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पूरी करंट जब डिफ्लेक्ट हो गई है, पूरा पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट हो गया आईजी पर, ठीक है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आईजी इनटू आरजी। तो एक डिवीजन को बोल दोगे, एक डिवीजन का मतलब कितना हुआ, जब एन डिवीजन को आप आईजी बोलते थे पहले, अब एन डिवीजन को आईजी आरजी बोल दो, उसमें क्या फिक्स है ये। तो पर डिवीजन कितना हो गया, आई जी इंटू आर जी बाई एन, तो ये लीस्ट काउंट हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मान लो दो डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ तो टू इंटू आई जी आर जी बाई एन क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब दो, अब रेंज स्मॉल वाली प्रॉब्लम तो अब भी ये बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, आर जी स्मॉल सो आई वन हाई एंड एरर इन द रीडिंग विल बी हाई, ठीक है ना, कि ये जो आई वन करंट ड्रॉ कर रहा था, जो मैंने यहाँ बताई आपको, एक चीज यहाँ भी बताई मैंने, आर जी बहुत ज्यादा होगा तो करंट क्लोज होगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर जी बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ से करंट ड्रॉ नहीं करे, क्योंकि सारी दिक्कत इसकी यही है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने, कि पहले करंट इसमें से जा रही थी, अब कुछ इसमें से भी जाने लगती,
इसलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करने जा रहे थे वो चेंज हो गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इधर जाने वाली करंट बहुत कम होगी और रीडिंग बहुत एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा और करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर से एक्यूरेटली आपको उसका रेजिस्टेंस कम से कम करना होगा। रिक्वायरमेंट दोनों अपोजिट हो गई है तो दोनों के लिए हमको तरीके बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो तरीके बनाने की प्रोसेस है वही कहलाता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, उस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलता है कुछ भी ऐसा, कभी किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से हमको वो दूर करनी है। आपको क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा, गैल्वेनोमीटर इतना है तो इस रेंज का मीटर बनाओ। ठीक है, बट ये पता रहेगा तो थोड़ा आप अच्छी तरह समझ पाओगे, नहीं वो मेथड तो याद हो ही जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है। और ये भी बता दिया मैंने कैसे मेजर करता है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को। जब आपको करंट मेजर करना था तो पर डिवीजन आपने आईजी बाई एन बोल दिया था। ठीक है ना, अब आपको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो इधर आपके डिवीजन है एन डिवीजन, तो आपने एक डिवीजन को कितना बोल दिया आईजी आरजी बाई, और आईजी आरजी उसकी रेंज भी हो गई, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको दो टर्म पता पड़ गई, आईजी और आरजी जो फिक्स हैं गैल्वेनोमीटर के, उनको कांस्टेंट मानते हुए अब आपको अमीटर और वोल्टमीटर बनाना सीख। ठीक है, तो सबसे पहले अमीटर बनाना सीखेंगे।